भले ही अभी महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नागपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिया से जंग चुनाव से पहले ही शुरू हो गई है। आइए देखते हैं पूरा वाकया। कल नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वार्ड नंबर 1 के पार्षद और देवेंद्र फडणवीस के करीबी विक्की कुकरेजा के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कुकरेजा ने आरोप लगाया है कि वार्ड में विभिन्न मुद्दों को लेकर आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुकरेजा के समर्थकों पर उनका अपमान करने और उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया है। उसके बाद महिलाएं नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोप लगाया कि कुकरेजा ने जातिवादी अपमान करने के बाद उन्हें उनके कार्यालय से निकाल दिया। कुकरेजा ने अपने कार्यालय के सामने तोड़फोड़ करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यालय में जाना चाहिए कि कांग्रेस के नेता के पास जाना चाहिए, और कितने बार आकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहिए। एक चेम्बर अगर भर गया, उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा, उस पर वीडियो बनते है क्या जी? और कांग्रेस के पालक मंत्री समता नगर के अंदर की जो चर्चा हो रही, महेंद्र जी जरा वो भी कागज सबको भेज देंगे क्या? समता नगर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने, हमारे माने साहब ने कितना काम किया, इसका अड़वा हम लेके आए हैं। और हम कहेंगे कांग्रेस के पालक मंत्री है, 15 साल यहाँ पर मंत्री रहे, अभी 2.5 साल से पालक मंत्री करके काम कर रहे हैं। समता नगर में काम करना किसकी जवाबदारी है? ये क्या नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्र है क्या? ये नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का क्षेत्र है, उनका डेवलपमेंट वहाँ पर दिखाना चाहिए उनको जो है। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आना, पुलिस ने उनको समझाने के बाद भी बार बार यही धंधे करना, जाए ना अपने पालक मंत्री क्या, एक्चुअली वहाँ के डेवलपमेंट का काम भी उनका है, फिर भी सिर्फ महिलाओं को बरगला कर या कांग्रेस की महिलाओं कार्यकर्ताओं को लेकर, या मेरा तो स्पष्ट आरोप है भाड़े की महिलाओं को लाकर, इस तरीके से अगर एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखाने का काम करेंगे उनके क्षेत्र में, हर जगह पर जहां हमारे माने साहब ने काम किया, हमने समता नगर में काम किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे चलाने का है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो वीडियो बंद नहीं करेंगे तो चालू करेंगे क्या? लेकिन ये तो उन्होंने हमारे जो वहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता, उन्होंने जो बताया होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या? मैंने आपको बताया, जैसे उनको ध्यान में आया कि आज हमारा सोशल मीडिया का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, ताबड़तोप यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अचानक से आना, क्योंकि हमारा बाजू में भूमि पूजन था, उसको इग्नोर करते अभी भगना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई, आज हमारे को पूछा जाएगा। वैसे क्या 3 लोग बैठे रहते कार्यालय में, उनको पूछा पूछी करके निकल जाने का है, और वो लोग कोई 2-3 लोगों की संख्या में नहीं आते, 4 लोग मोबाइल लेकर आते, एक हमारे छज्जे पे ऊपर चढ़ जाता, एक सीढ़ी पे चढ़ जाता, एक कुर्सी के ऊपर में खड़ा हो जाता। किसी नगर सेवक के कार्यालय के अंदर में इस तरीके से आने का कोई तरीका है क्या? आम नागरिक आए ना जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए हमारा जो कार्यालय वो अखाड़ा नहीं है कि आकर कुछ भी करके जाएंगे, हम उनको कोई फूलमाला नहीं पहनाने वाले, लेकिन निश्चित तौर पर प्यार मोहब्बत से बातचीत किए। वही वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके पूर्व चर्चा प्यार मोहब्बत से चालू है, लेकिन पीछे से कांग्रेस की पुशिंग हो रही, अभी तुम बोलो, अभी तुम बोलो। और किस एरिया के लिए? जहाँ पर नागपुर महानगर पालिका काम नहीं कर सकती, जिनकी सरकार है नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उनका काम है वहाँ पर काम करना, वहाँ न जाते हुए जबरदस्ती बीजेपी के कार्यालय में आए, इसका विरोध। नागपुर महानगर पालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के सियासी मैदान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं। जरीपटका इलाके में भाजपा पार्षद वीरेंद्र कुकरेजा के कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता बाबू खान के साथ कुकरेजा के कार्यालय में महिलाओं के साथ मारपीट करने के आरोप में भाजपा नेता वीरेंद्र कुकरेजा और उनके सहयोगियों के खिलाफ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। मला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे फोन आले की इथे अशी घटना घडली आणि शहराचा अध्यक्ष या नात्याने मी जरीपटका पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो। मला वाटते की कोणत्याही जनप्रतिनिधीकडे जी जनता त्यांना मत देते, निवडून देते आणि आपलं कामं सांगण्यासाठी जाण्याचा अधिकार आहे, आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी तिथली परिस्थिती नियंत्रणात राहणं, तिथली परिस्थितीमुळे कुठे भांडण होणं हे प्रश्न उद्भवतच असतात, परंतु या सर्वांवर कंट्रोल करण्याचं कार्य जो जनप्रतिनिधी असतो त्याचं असतो। मला वाटतं त्या भागातील जनता, इथे या 4 महिला आहेत आणि बाबू खान हे सगळे गेले होते, आणि त्या ठिकाणी झालेला
प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि हे लोक सांगतात की यांना मारहाण झाली, ते लोक सांगतात त्यांना मारहाण झाली. मी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तेव्हा दोन्ही पक्ष तिथे होते आणि अशा वेळेस मला वाटतं की पोलिसांची भूमिका ही नेहमी आरोपी कोण आहे या शोधण्यासाठी असावी आणि पोलिसांनी यामध्ये तपास करावा. जर महिलांवर जर कोणी हात उचलत असेल ज्या बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.